नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद हो कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिफ्थ ट्रेक कलसुबाई आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो बोलते हैं कि जो कलसुबाई ट्रेक कर लिया वो महाराष्ट्र का कोई भी ट्रेक कर सकता है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया इसको कंप्लीट करने के लिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और एक साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बिना आपका समय लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त लोग, अभी हम सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई दुकान वकान खुले और चाय वाय का मिले, ताकि थोड़ा सा जो सुबह का नींद वी सब चले जाए। दोस्तों, यहाँ पे चाय की दुकान खुल चुकी है। हम लोग कब से वेट कर रहे थे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 घंटे से। अब हम लोग यहाँ पे चाय का वेट करेंगे, चाय पियेंगे मस्त में। मीट माय फ्रेंड शुभम सिंह अजय तिवारी। अभी हम घोटी से बारी जाएंगे कल सुबह ट्रिक के लिए। तो पहुंच गए हैं कलसुबाई के बेस पे। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कलसुबाई को ट्रैक करने के लिए। आप देख रहे हैं कलसुबाई पानी निकाल रहे हैं। कुएं का पानी ठंडा ठंडा कूल कूल है, एकदम मस्त तरोताजा है। कलसुबाई निवासिनी देवस्थान। हम लोग एकदम थोड़ा ज्यादा रेस्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वहां पे नाइट आउट करना है। वहां पे हम लोग रात में रुकेंगे। आप देख सकते हैं कितना विशाल काय पर्वत है ये, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसुबाई। मीट माय तिवारी ब्रदर्स। तिवारी, से समथिंग। व्हाट्स अप मैन। दोस्तों, चलते चलते हालत पंचर हो जा रही है। ऐसा लगता है अब आएगा लेकिन आ ही नहीं रहे। अभी जो कम से कम यहाँ से 1 घंटे का और टॉप पे पहुँचने के लिए। अभी हमको वहाँ पे पहुँचना है, टॉप पे मिलते हैं। टॉप पे भाई फोन में मत देख भाई, क्या बोल रहा है? फोन में नहीं देख रहा। हेलो, हम लोग फाइनली प्लेटो पे पहुँच गए हैं। देख रहे थे वीडियो में सबकी हालत थकान नहीं है भाई के। भाई अपना फुल एकदम सिपाही, एकदम आर्मी, सुपरमैन ऑफ द क्लैन बोलता है, सुपरमैन ऑफ द क्लैन पग रे। यो, और वाइफ ये कर रहा है। चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं, ना कोई थकान। फाइनली हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का और टाइमिंग है पहुँचने के लिए। ठंडी बहुत है, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। दोपहर के अभी 2:30 बज रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, अराउंड 15 डिग्री है।
टॉप पे पहुंचते हैं। We are reached on top. Kalsu bhai. Fuck flag. Kalsu bhai temple. गाइस टॉप पे पहुंचने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली वाले भी मना कर रहे थे मैं मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती गया कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा। मैं अपने आप को ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, जबकि मैं अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों की मदद की वजह से मैं ये महाराष्ट्र का सबसे ऊँचा जो ट्रेक है मैं वो कर पाया, द एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो हम यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने टेंट लगा दिया है। अभी डिस्कशन हो रहा है कि इसका जो एंट्री है किस साइड रहेगा, फिक्स करके हम टेंट फिक्स हो गया है उसी जगह पे रहेगा। अभी यहाँ हम लोग यहाँ पे बॉनफायर लगा रहे हैं। शुभम सिंह यहाँ पे बॉनफायर लगा रहे हैं, रेडी करते हुए बॉनफायर। कलचू भाई टेम्पल जलाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, जल गया, जल गया, जल गया, जल गया बॉनफायर गाइस। यो मैन हुआ तो हुआ, डायरेक्ट टिकड़े थोड़ा भी इधर नहीं रुकने गए। जल गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम, क्योंकि ऊपर बहुत ठंडी है। आई थिंक यहाँ पे 15 to 16 डिग्री टेम्परेचर है और बॉन्ड फायर के सामने बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मा गर्म फील लग रहा है। हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए हैं और बहुत ही जोरों की ठंडी पड़ रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग आग जला रहे हैं गाइस। हम लोग यहाँ पे गर्मा गर्म मैगी बना के खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें सनराइज तक देखने को नहीं मिल रहा है। सुबह के 7:10 हो चुके हैं लेकिन फिर भी सन का कोई नामो निशान नहीं है। आप जैसा कि देख ही सकते हैं, आप जरा एक बार, मैं चाहूंगा कैमरामैन से चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दें कि कोई भी किसी तरफ से कोई भी रोशनी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ पूरा छटा हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग का पूरा टेंट एंड ये सब पूरा सब बंद करके रख दिया गया। अब हम लोग घर पे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैट है, यहाँ पे हमारा ट्रैक हम लोग आ गए हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पे अब ख़त्म होता है गाइस। ट्रैक ख़त्म हो चुका है, हम लोग ट्रैक कंप्लीट करके नीचे आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू होम बॉयज। गाइस मैंने ये जो मार्क किया है अपने फ्रेंड को, इनका नाम यूडी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद की मुझे ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय, सब खैर, नमस्ते।